दोस्तों, आज आपको हम वो चीज़ दिखाएंगे जिसके लिए आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो है ग्लास ब्रिज। यह ग्लास ब्रिज है राजगीर के फेमस नेचर सफारी के अंदर। इसमें जाने के लिए आपको कम से कम 3-4 घंटे का समय लगेगा, तो आपके पास अगर पूरा टाइम हो तभी आप इसे घूमने जाएं। इस ग्लास ब्रिज को देखने जाने के लिए टिकट लगता है, वो दो तरीके से मिलेगा आपको, एक ऑनलाइन और एक काउंटर से। अगर आपके पास टाइम पूरा हो तभी इसको देखने जाएं, क्योंकि टिकट ऑनलाइन 3 दिन पहले मिलता है, और नहीं तो फिर काउंटर से जाके लेना होता है। तो हमने यहाँ काउंटर से टिकट ले लिया है। यहाँ पे सिर्फ बस का टिकट मिलता है जो वहाँ ग्लास ब्रिज तक लेके जाती है। उस टिकट पे लिखा होता है कि आपको बस कितने बजे मिलेगी। तब तक यहाँ पे बहुत कुछ है जिसको आप देख के अपना टाइम पास कर सकते हैं। यह नेचर सफारी है, और धरती कैसे बनी उसको अलग अलग मॉडल के जरिए यहाँ पे दिखाया गया है। आज मनुष्य जिस रूप में है वो यहाँ तक कैसे पहुँचा वो भी यहाँ पे दिखाया गया है मॉडल के जरिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है यहाँ पे खास। अब हम पहुँच गए हैं थिएटर के अंदर, जहाँ पे दिखाई जा रही है मूवी। इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। मूवी खत्म हो गई है और अब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं वेटिंग एरिया में, जहाँ से हमें ग्लास ब्रिज देखने जाने के लिए बस मिलेगी। लाइन यहाँ भी है और हम भी कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। बस आ गई, शुरू करते हैं ग्लास ब्रिज का सफर। ग्लास ब्रिज तक जाने के लिए आपको इन्हीं बसों से जाना होगा, आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके नहीं जा सकते। बस एसी है पर सड़क कच्ची है। 20 से 25 मिनट लगा हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने में। नेचर सफारी के उस हिस्से में पहुँच गए हैं जहाँ पर है ग्लास ब्रिज, और यहाँ भी टिकट लेना होगा। टिकट ले चुके हैं, अब अंदर चलते हैं। लगभग 300 मीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए ग्लास ब्रिज तक। लाइन यहां भी लगी है क्योंकि एक बार में सिर्फ 30 से 40 लोग ही ग्लास ब्रिज पे जा सकते हैं। ध्यान रहे, ग्लास ब्रिज पर जाने के लिए आपको अपना जूता चप्पल बाहर ही उतारना पड़ेगा। अब हमारी भी एंट्री का टाइम आ गया। सीढ़ियाँ भी ग्लास की है, इसी पे चढ़ के हम लोग जा रहे हैं ग्लास ब्रिज के ऊपर।
हम लोग ग्लास ब्रिज पर हैं और यहाँ आना बहुत एक्साइटिंग है। ऊपर आसमान, नीचे खाई। डर भी लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हवा में झूल रहे हैं। कुछ दूर तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर बहुत धीरे धीरे करके हम लोग आगे गए। ज़मीन से यह करीब 200 फीट ऊंचाई पे है और इसकी लंबाई 85 फीट है और चौड़ाई 6 फीट के लगभग है। हम भी हिम्मत करके इसके आखिरी छोर तक पहुंच ही गए। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं कहूंगी कि आप भी अपने फैमिली के साथ एक बार यहाँ ज़रूर आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।